कोयला कोयला, बीजेपी का कोयला, सीबीआई का कोयला, ईडी का कोयला। हम लोग सामने देखे सूर्या, इलीगल कोयला चल सकता है, हम बोल भी नहीं सकते हैं। इलीगल कोयला चल सकता है, बोल भी नहीं सकते। कोयला चल सकता है बंगाल में, लेकिन बोल नहीं सकता। एआईएमआईएम समर्थकों ने थाने का घेराव कर किया प्रदर्शन, कि एआईएमआईएम नेता को थाने से रिहा करने की मांग। जी हां, शिल्पांचल में चल रही कोयले के इस अवैध कारोबार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए रविवार को एआईएमआईएम के पश्चिम बर्दवान जिलाध्यक्ष दानिश अजीज अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतर कर अनोखा प्रदर्शन करने लगे। वे सड़क किनारे बोरे में भरकर कोयला बेचने लगे, ये कहकर कि वे कोयला ईडी का है, भाजपा का है, सीबीआई का है, तृणमूल का है। जिसके बाद मौके पर साउथ थाना पुलिस फाड़ी पहुंची और अवैध कोयला तस्करी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे एआईएमआईएम नेता दानिश अजीज को अपनी हिरासत में लेकर थाने ले गई। इस दौरान नेता दानिश ने बताया कि जो लोग अवैध कोयला का चोरी और उसकी तस्करी कर रहे हैं, उनके ऊपर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, और जो उस कारोबार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई करना कभी नहीं भूलती। वहीं एआईएमआईएम जिला अध्यक्ष द्वारा की जा रही अवैध कोयले की तस्करी के खिलाफ प्रदर्शन की खबर सुन मौके पर पहुंची साउथ पुलिस ने अपने हिरासत में लेकर थाने ले गई। जिसके बाद घटना थाने में एआईएमआईएम समर्थक पहुंच गए और थाने का घेराव कर अपने नेता की रिहाई की मांग कर पुलिस और राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिले में अवैध कोयला तस्करी के धंधे के पीछे पुलिस और राज्य सरकार भी मिली हुई है। यही कारण है कि इस तस्करी के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। बोलना क्या है, बोलने और कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। पश्चिम बर्धमान में और पूरे बंगाल में ये समझ लीजिए कोयला चोरी होना लीगल है शायद, लेकिन कोयला बोल देना इलीगल है। इसका आज जीता जाता एग्जाम्पल है मेरा अरेस्टिंग, और उससे भी ज़्यादा बड़ा शर्मसार कर देने वाला बात है कि आज इन लोगों का जो हालात है, पश्चिम बंगाल पुलिस का जो हालात है, कहाँ है ईडी, कहाँ है सीबीआई, कहाँ है टीएमसी के नेता, कहाँ है बीजेपी के नेता, ये सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के ऊपर तोहमत लगाकर ईडी सीबीआई का खेल कर आम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और इनका मकसद मंसब सिर्फ और सिर्फ एक है, कैसे भी करके इलीगल काम को पनपने देना। आज कहाँ आप देखिए ना, पश्चिम बंगाल में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, नौकरी नहीं है, एडुकेशन सिस्टम खत्म, मेडिकल सिस्टम खत्म, लेकिन कोयला चोरी चरम सीमा पर है, लोहा चोरों का लोहा चोरी चरम सीमा पर है, बालू तस्करी चरम सीमा पर है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये पश्चिम बर्धमान से पश्चिम बंगाल के आयन मंत्री मलय घटक आते हैं यहाँ से, उनका क्षेत्र जब ऐसा है तो आप समझ सकते हैं गोटा पश्चिम बंगाल का हालत क्या होगा। और इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ, लेकिन आप मीडिया के माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, ये बात आप मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट एमआईएम असदुद्दीन अवैसी साहब के नेतृत्व में इंशाल्लाह ताला किसी भी इलीगल काम को होने नहीं देंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बॉर्डर कुलटी हो, चाहे जमुलिया का कोई बड़ा से बड़ा बॉस हो, चाहे वो पश्चिम बर्धमान के क्षेत्र का कोई भी हो, किसी को चलने नहीं देंगे। आपको पहले पीपी ले गया था, यहाँ ले जाएगा? हाँ, पीपी में लेकर गया, वहाँ पे बोला कि आपको वो थाना चलान कर रहे हैं, वहाँ से आपको कोर्ट चलान करेंगे, लेकिन पुलिस शायद ये नहीं कर पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस को भी पता है कि मैं सही पर हूँ, हक पर हूँ, इसीलिए पुलिस आज मजबूरन नतमस्तक होकर मुझे छोड़ गई। दानिश अजीज, पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट एमआईएम सभापति। बन के दानिश अजीज साहब जो हमारे एमआईएम जिला पश्चिम बर्धमान के सदर है, उन्होंने आंदोलन किया बीएनआर मोड़ में रविंद्र भवन के पास, वहां से 100 पीपी के ऑफिसर्स उठा के उन्हें
सात पीपी में लेके चले जाते हैं, फिर एक घंटा डेढ़ घंटा के बाद सात पीएस उनको लेके आया जाता है। ये मामला चोरों का साथ देना, चोर चोरी करे वहाँ पे जनप्रतिनिधि बन के दानिश अजीत साहब बात नहीं कर सकते हैं। आज मैं आपको बता दूं कि पूरा पश्चिम बर्धवान, पूरा आसनसोल दानिश अजीत साहब के साथ है। अगर अभी उनको दानिश अजीत साहब को यहाँ से छोड़ दिया जाता है इस वक्त में तो बेहतर है, वरना आगे का हालात तो बहुत ख़राब होने वाला है। अभी हम लोगों ने इलाकाई तौर पर बताया भी नहीं है कि इस तरह का मामला हुआ है। दानिश अजीत साहब आंदोलन कर रहे थे, इस तरीके से आंदोलन कर रहे थे, चोर को चोर बता रहे थे। चोर को चोर बताने वाले लोग को अंदर डाला जाएगा, चोर आराम से घूर रहा है। पूरा बंगाल में चोरी चल रही है, कोयले की चोरी चल रही है, बालू की चोरी चल रही है, तृणमूल और बीजेपी बीजेमूल के सरकार मिलकर चोरी कर रहे हैं। और एक शख्सियत जनप्रतिनिधि बन के हक्का और आवाम का बात करता है तो उसको जेल में रहना पड़ेगा, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मजलिस MIM इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं कि दानिश अजीत साहब को छोड़ दिया जाए, उनके ऑफिसर से बात भी हुई, अगर छूटता है तो ठीक है, वरना कल हम लोग आसनसोल का चक्का जाम कर देंगे। हमारा नाम एजाज अहमद, MIM जिला पश्चिम बर्धवान वाइस प्रेसिडेंट।